स्कर्दू से 155 किलोमीटर दूर, 155 किलोमीटर दूर एयरबेस बनाया है और एक एयरबेस पर एक दूसरा रनवे तैयार कर दिया है पाकिस्तान ने। क्या तैयारी है, क्या है सैटेलाइट तस्वीरों से पाक की नई साजिश का एक खुलासा हुआ है। नेक्स्ट खबर दिखाइए राहुल, बड़ा तेजी से। चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई एक साथ, बलूच और टीटीपी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी, यह बहुत बड़ी खबर है। नेक्स्ट, पाक में अगर एससीओ की एंटी टेरर एक्सरसाइज में जाएगा भारत, भारत की मौजूदगी बताएगी वो अफगान को लेकर कितना संजीदा है, ये एक हमारे आप सामने एक बहुत बड़ा सवाल, ये क्यों जा रहा है भारत। नेक्स्ट, तालिबान का समर्थन करने वाली सरकारों पर जल्द कसेगा शिकंजा, अमेरिका में प्रतिबंध लगाने का विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, एक और बड़ी खबर, फ्रांस में इस्लामी कट्टरपंथियों पर शिकंजा, 6 मस्जिदों और संदिग्ध संगठनों को बंद करने का फैसला लिया गया है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हर साल खर्च कर रहा है $85 बिलियन, अमेरिका समेत कई महाशक्तियों को पीछे छोड़ा। एक और शॉकिंग न्यूज और एक और बड़ी खबर, वो ये है कि इक्वाडोर जेल में 6 कैदियों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, ड्रग स्मगलर्स गैंग में झड़प, 29 की मौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर है हमारे सामने। ओपन करें उसी खबर से जो आपके सामने हम लेकर आए थे, सबसे बड़ी खबर, स्कर्दू एयरबेस पर एक और रनवे तैयार कर दिया है पाकिस्तान ने, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे प्ले ऑन करें, श्रीनगर से 155 किलोमीटर दूर पाक की एक और बड़ी साजिश जो है, स्कर्दू एयरबेस पर पाकिस्तान बना रहा है एक और रनवे, बगल में इसके विजुअल्स दिखाए जो सैटेलाइट इमेजेस हमारे सामने हैं। पाक के स्कर्दू एयरबेस पर चीन के भी कई फाइटर जेट तैनात हैं, पाकिस्तान ने एयरबेस पर कई JF-17 फाइटर जेट तैनात किए हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा किशोर भाई हमारे साथ है, किशोर भाई क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इसको लेकर? निशांत भाई मैंने सरप्राइज पिक्चर्स नहीं देखी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, आपको याद होगा कि हम दो तीन महीने पहले भी हमने इसका एक खुलासा किया था। देखें स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान को हमेशा से ही बड़ा वो बेचैनी रही है, एक किस्म का इंडिया से थ्रेट रहा है और इसकी इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान बहुत हद तक आगे जा चुका है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने रनवे बनाए या नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए कुछ भी कर सकता है। वहां पे चाइनीज की बातें कुछ आई थी वहां पे चाइनीज जेट की, लेकिन वो ठीक साबित नहीं हुई। लेकिन ये भी हमें मत बोलना चाहिए कि अगर चाइना को इंडिया की तरफ से कोई थ्रेट होता तो पाकिस्तान को भले हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ पार्टी बनेगा, पाकिस्तान उसके अंदर हर किस्म की मुदाखलत करेगा, उसके साथ पार्टी बनेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये मैं मेच्योर करूंगा इन चीजों को ड्यूरिंग द शो, लेकिन एक चीज बड़ी वाजह है, स्कर्दू हो आप गिलगित बल्तिस्तान का सारा एरिया हो, इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर उसको अपना समझ के ग्रिप करता है उसको। अगर चाइना को इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो ये बेस भी बनाएंगे वहां पे हर किस्म की जो एक इस पूरी खबर को और ज्यादा डिटेलिंग में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। किशोर भाई आप जो बता रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर में मैं सुमित के पास और हमारे खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सीधे यहां पर पाकिस्तान का स्कर्दू एयरबेस, यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, श्रीनगर से दूरी है 155 किलोमीटर, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, एयरबेस पर नया रनवे तैयार किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट शेल्टर, फ्यूल स्टोर, एक्सपेंशन स्टोरेज बंकर एयरबेस पर पहले से मौजूद रनवे है। और ये देखें किस तरीके से सामने जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, टर्न अराउंड एरिया है, एयरक्राफ्ट शेल्टर है, बहुत छोटा सा है। तो मैं चाहूंगा इसको सीधे श्रीनगर के पास पाकिस्तान का रनवे है। एक और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, श्रीनगर से सिर्फ 155 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का स्कर्दू एयरबेस है, पाक ने एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट्स तैनात की स्क्वाड्रन तैनात किए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।